सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भले ही रणवीर सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी है, लेकिन उससे पहले उनके बॉलीवुड में कई लिंकअप रह चुके हैं। रणवीर के साथ डेटिंग से पहले उनका नाम विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ भी जुड़ा था। वहीं रणबीर कपूर के साथ उनके रिलेशनशिप ने सालों तक सुर्खियां बटोरी, लेकिन इससे पहले दीपिका पादुकोण का नाम भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और फिर बाद में ऑलराउंडर युवराज सिंह के साथ भी जुड़ा। हालांकि रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चला। एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार दीपिका और धोनी पहली बार एक कार्यक्रम में मिले थे, जहां पर बॉलीवुड की इस डीवा ने उन्हें अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दिया। दोनों की नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि धोनी ने दीपिका को मैच देखने के लिए इनवाइट किया। यहीं से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। अगर अफवाहों की माने तो दोनों जल्द ही एक दूसरे को डेट करने लगे। यही नहीं, धोनी ने इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल भी किया था कि दीपिका उनका क्रश थी। बताया जाता है कि दीपिका के कहने पर ही धोनी ने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे। बता दे कि धोनी के इन्हीं लंबे बालों की तारीफ एक बार पाकिस्तानी नेता परवेज मुशर्रफ ने एक मैच के दौरान की थी। धोनी दीपिका को इतना पसंद करते थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जब धोनी को पता चला कि युवराज सिंह भी दीपिका को चाहते हैं, तो उन्होंने अपने दोस्त के लिए दीपिका से दूरी बना ली और रिश्ता तोड़ लिया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।